हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में नाइट मोड के बारे में, जो नाइट की थीम होती है उसके बारे में कि भाई अब कौन से मैप में आने वाली है, क्या इन फ्यूचर में नाइट मोड आने वाला है कि नहीं, नाइट की थीम वो लोग देने वाले हैं कि नहीं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले आज के वीडियो में। तो अब बिना टाइम गवाए हम लोग आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। सो जैसे कि भाई आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि नाइट मोड क्या चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही कि लास्ट में जो अगर दो बार नाइट मोड आया था, एक हेलोवीन में और एक क्रिसमस में, तो उन दोनों में आया था, एक रेड मैप में आया था और एक में स्टैंड ऑफ में आया था। तो यहाँ पे स्टैंड ऑफ में हेलोवीन के टाइम आया था और रेड मैप में क्रिसमस के टाइम आया था, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो अब यहाँ पे इन फ्यूचर में क्या नाइट मोड आने वाला है? तो यस, नाइट मोड आने वाला है, ये ऑफिशियली कन्फर्म हुआ है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की तरफ से। तो अब हमने आपको वो बताऊं कंफर्म हुआ है कि नहीं वो बताऊं, उसके आगे पहले बता दूं कि भाई यहाँ पे बैटल पास का गिव अवे चल रहा है। ओके, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 10 बैटल पास का, उसको एंटर करने के लिए आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। ओके, इंस्टाग्राम का यूजर नेम राइट साइड पे ऊपर आपको मिल जाएगा, तो जाके कर लेना। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़े, तो यहाँ पे जो ऑफिशियली कन्फर्मेशन आई है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की तरफ से उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा है रेडिट पे, थैंक्स फॉर द ऑसम कंटेंट एंड आर देयर एनी प्लान्स फॉर नाइट मोड मल्टीप्लेयर एंड बी आर मैप्स। तो यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ऑफिशियल एक्टिविजन ने सिंपल लिखा है यस लिखा है। उन्होंने कुछ घुमा फिरा के नहीं बताया कि मे बी और हम लोग अभी शेयर नहीं कर सकते आपके साथ ये सब प्लान, सीधा बोल दिया यस। दैट मीन्स कि एक चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी है कि भाई नाइट मोड आएगा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में। ओके, वो कन्फर्म हो चुकी है, वापस से आने वाला है नाइट मोड। अब यहाँ पे बात आती है आएगा तो किस में आएगा, कौन से मैप में आएगा। तो यहाँ पे जो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर है उसके अंदर नाइट मोड आने वाला है, जिसकी गेम फाइल लीक हुई है, देख लीजिए। तो यहाँ पे नाइट मोड की लीक है। ओके, और रूमर्स भी है। तो यहाँ पे मैं आपको दो फोटो दिखा रहा हूँ। तो ये दो फोटो है मॉडर्न वॉरफेयर की, पीसी वाला वर्जन कॉल ऑफ ड्यूटी। तो अब समझ लो, अगर वो मॉडर्न वॉरफेयर में नाइट मोड है, दैट मीन्स कि हमारे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बीआर में नाइट मोड आएगा, एक चीज़ तो यहाँ पे कन्फर्म है। ओके, क्योंकि वहाँ पे अभी तक तो नहीं आया, देखो वहाँ पे अभी तक नहीं आया, बट वहाँ पे रूमर्स से लीक हुई है गेम फाइल, तो हमारे में भी आ सकता है, इतना टाइम नहीं लगेगा, एक महीने के बाद आ जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो गई कि बीआर में आएगा, तो कैसा दिखेगा एंड कैसा आएगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद अब बात करते हैं मल्टीप्लेयर में। तो मल्टीप्लेयर में यहाँ पे दो मैप को दे दिया है, स्टैंड अप एंड रेड। अब एक पॉपुलर मैप बचा है। ओके, तो वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पे क्रॉस फायर ले लो, क्रैश ले लो, या फिर आप लोग ले लो फायरिंग रेंज। तो यहाँ पे फायरिंग रेंज मुझे ऐसा लग रहा है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैप होगा। ओके, स्टैंड अप के बाद स्टैंड अप फायरिंग रेंज, कुछ मैप ऐसे जो कि सबसे फेमस मैप है, तो उनमें से मुझे ऐसा लग रहा है फायरिंग रेंज आएगा। तो यहाँ पे पहले उन्होंने ना देखो न्यूक टाउन में ना नाइट मोड दिया था। ओके, कॉल ऑफ ड्यूटी की ना ओल्ड वर्जन में, यहाँ पे आप लोग फोटो देख सकते हो। तो यहाँ पे ये न्यूक टाउन में है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे फायरिंग रेंज देख लीजिए। ओके, ब्लैक ऑफ फोर्स का है, ब्लैक ऑफ फोर में फायरिंग रेंज नाइट मोड में ऐसा दिखता है, देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि भाई न्यूक टाउन फायरिंग रेंज में आने का चांस है, जो नाइट मोड है वो आ सकता है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में दिया है उस मैप में। और स्टैंड अप एंड रेड में अगर नाइट मोड दे दिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो लोग वापस से उसी मैप में नाइट मोड देंगे, मुझे नहीं लगता, देना भी नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक बार एक्सपीरियंस कर लिया वो चीज़, बार बार एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत क्या है कोई नई चीज़ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर देंगे तो फायरिंग रेंज क्रॉस फायर में देंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, उसमें देना भी चाहिए उन लोगों को। और खास करके मुझे ऐसा लग रहा है फायरिंग रेंज में दे तो अच्छा है, क्योंकि वो ये बहुत फेमस मैप है, बहुत सारे लोगों का फेवरेट मैप होगा। ओके, जो कुछ तीन चार मैप ऐसे, चार पांच मैप जो कि फेवरेट मैप होंगे लोगों के और फेमस होंगे, तो उसमें स्टैंड ऑफ फायरिंग रेड क्रॉस फायरिंग क्रैश आता होगा, टॉप फाइव बड़े मैप। तो मुझे ऐसा लग रहा है फायरिंग रेंज हो सकता है, दैट्स माय ओपिनियन, ये मेरी प्रिडिक्शन है, ये ऐसा मुझे लग रहा है। बट वो तो अब आगे जाके पता चलेगा कि एक्चुअली में होगा क्या। बट हाँ, एक चीज़ कन्फर्म है कि भाई नाइट मोड आने वाला है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में, ये चीज़ कन्फर्म है। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, मुझे आप लोग बताओ कॉमेंट में कि भाई आपको कौन से मैप में नाइट मोड चाहिए, वो मैप का नेम लिखो नीचे कॉमेंट में। मेरे को फायरिंग रेंज में चाहिए, मेरा फेवरेट है, सेकंड फेवरेट है, फर्स्ट मेरा फेवरेट है वो है स्टैंड अप, सेकंड फेवरेट है फायरिंग रेंज, तो मुझे फायरिंग रेंज में चाहिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एक लाइक तो बनती ही है। एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हो गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज जैसे ही कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की मैं वीडियो बीटा से डालता आ रहा हूँ हिंदी में। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।